अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा चैनल देख रहे हैं सनी कंप्यूटर सेंटर। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम एक्सेल की बना रहे हैं, और तकरीबन वर्ड की सारी वीडियोस हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं जो मैं वक्त के साथ अपलोड करता जाऊंगा। और एक्सेल में जो आज हम अपना टॉपिक लेंगे वो हम प्रिंट लेंगे कि हमें एक्सेल में प्रिंट की क्या क्या सेटिंग्स हम देख सकते हैं प्रिंट निकालने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। क्योंकि देखें, अभी मैंने तो काफ़ी इस मर्तबा गैप आ गया था, ईद का आ गया और उसके बाद जो था थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कुछ टाइम लगा मुझे वीडियोज़ बनाने में, तबीयत सही नहीं थी मेरी। तो आज अब फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब मैं अपलोड करूँगा, तो जिसने भी इसको बेल आइकन को प्रेस किया होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो देख लेगा। तो उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ इसमें से सीख सकें। उसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना चाहता है, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, तो मैं वहाँ पर उसको समझा दूँगा या फिर उसको व्हाट्सएप पर ले कर समझा दूँगा। इसके अलावा अगर इसमें किसी को सर्टिफिकेट चाहिए हो तो मुझे उसका भी कांटेक्ट कर लें, उससे मैं उसको बता दूंगा कि उसको सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम ही चाहते हैं कि हम इसको प्रिंट निकालना है हमने अगर, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो होता है हमारे पास प्रिंट, उसके लिए हमें इसमें तीन स्टेप्स करने होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू, जैसे कि मैंने वर्ड में बताया था कि जो चीज़ प्रीव्यू में दिखती है वैसे ही पेपर पे निकलती है। दूसरा स्टेप होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप हम जब करते हैं जब हमें पेज में चेंजेस करना हो, यानी कि लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा करना हो। और तीसरा स्टेप होता है हमारे पास प्रिंट, जिससे हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं। तो हम आते हैं अपने पहले स्टेप पर, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू पर। इसके लिए हम फाइल आएँगे और हम यहाँ पर आके प्रिंट को जब हम दबाएँगे तो हमारे पास ये एक प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें हमें एक अंदाज़ा होगा कि कितनी जगह उल्टे हाथ पे खाली है, ऊपर या सीधे हाथ पे या नीचे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट होता तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज ले लेता, और अगर मुझे बाहर निकलना है तो मैं यहाँ से बैक कर लूँगा। ये हमने यहाँ पे शॉर्टकट भी बनाया हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस में। हम इस एरो को अगर दबाएँगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट के ऊपर टिक लगा हुआ होगा, तो ये बटन आ रहा होगा। मैं इसका टिक हटा देता हूँ तो चला जाएगा, अगर मैं इस पर टिक लगा दूँगा तो ये आ जाएगा। तो जब हमने प्रीव्यू देखा तो हमें पता चला कि हमारे पास सीधे आपकी जगह खाली है, ये लाइन आ रही है डॉटेड, यहाँ तक मुझे जा सकता हूँ। तो ये जो मेरा डेटा है इसको मैं थोड़ा थोड़ा फैला देता हूँ, यानी कि इनके जो कॉलम्स है थोड़े थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि ये जो है पूरे पेज पर आ जाए। तो इसको हमने बड़ा कर दिया ताकि पूरे पेज पर आ जाए और बुरा ना लगे। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा, यानी कि अब एक प्रॉपर डेटा की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, ये मार्जिन खुल जाते हैं यहाँ से, ये हेडर की जगह बता रहे हैं, ये ऑफ हो जाएंगे। ये आपको जूम कर देगा जो आपका एक्चुअल साइज निकलेगा उसके ऊपर, और ये जूम आउट कर देगा दोबारा से, पूरा पेज दिखाएगा। बैक कर रहा हूँ, अब मैं आता हूँ ज़रा सा एक नई शीट के ऊपर, और यहाँ पे आके मैं कुछ लिखता हूँ। टेक्स हमेशा उल्टे हाथ पे जाता है, तो अगर मैंने यहाँ पे साथ लिखा तो लेफ्ट साइड से शुरू होगा, यानी कि इधर से। और हम पेज लेआउट में जाके साइज में जाके ज़रा A4 ले लें ताकि मेरे पास पेज की डायमेंशनस आ जाए। तो ये मेरे पास लाइन चल रही है डॉट वाली, ये यहाँ पर मैं आके एक नंबर लिखूँगा, नंबर सीधे हाथ पे जाता है। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँगा तो मेरे पास एक एक्यूरेट आ जाएगा इसका साइज़ के, इतनी जगह ऊपर खाली है, इतनी उल्टे हाथ पे खाली है, इतनी सीधे हाथ पे खाली है और इतनी नीचे खाली है, यानी कि मेरा पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं तो हमें पेज सेटअप करना होगा। प्रीव्यू का बस यही काम है कि आप या तो इसको यहाँ से जूम कर लो और जूम आउट करके ले लो, या फिर आप मार्जिन भी देख लो कि भाई कहाँ तक आपकी लाइन चल रही है, कहाँ तक जा सकते हो। फिर हटा दो, प्रीव्यू में काम नहीं होता, बैक करना पड़ता है।
तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई नया कॉलम आ जाए या नई रॉज आ जाए, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो जा रहा है, अभी कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, सही है। तो सॉरी, A4 हमने किया तो था, या आ गए नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पेज होगा, अगर मैं यहाँ शुरू करूँगा तो ये सेकंड होगा, फिर ये थर्ड होगा, फिर ये फोर्थ होगा। ये मैंने शायद डेटा एंट्री वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप उसको डेटा एंट्री वाली वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि आई से ज़्यादा कॉलम्स हो जाएँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि पेज लेआउट में आके पेज सेटअप को खोलना होगा। जब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन और चार चीज़ें आ रही होंगी। एक ऑप्शन है मेरे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डेटा एंट्री सिखाई थी, तो मैंने वहाँ पे लैंडस्केप किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉलम चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ मेरी चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई कम हो जाती है। तो अगर मैं अभी इसको लैंडस्केप करूँ तो अब आप देखें कि वो आई से जो है वो बढ़ गया और कहाँ पर पहुँच गया, एन तक, यानी कि पाँच कॉलम्स आपके पास नए आ गए और 51 से रॉ कम होके 33 पहुंच गए, यानी 50 से कम होके 33, 17 रॉस कम हो गई। यानी कि अब यहाँ तक मेरा पहला पेज कहलाएगा, ये दूसरे पर आ रहा होगा। मैं फिर एक मरतबा प्रीव्यू दिखा देता हूँ, पेपर थोड़ा सा चौड़ा हो गया और ये दूसरे पेज पर आ रहा है, फिर बैक कर रहा हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तब तो आप लैंडस्केप करें, पर अगर आपको एक या दो कॉलम चाहिए तो आप लैंडस्केप नहीं करेंगे, इसको पोर्ट्रेट पर रखेंगे। ओके कर देता हूँ। तो अगर एक कॉलम चाहिए तो आप स्केलिंग में आके, एडजस्ट में आके 100% ये इसको कम करके 90 करिएगा। 90 तक तो काफ़ी ठीक रहता है, उससे कम भी करा जा सकता है। ये असल में जूम है, इसमें होगा क्या कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी ना कम हो जाएगी। ठीक है, एक कॉलम आ गया हमारे पास, और हमारे पास कितनी, पाँच छः रॉ आ गई है। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँगा तो फॉन्ट मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। खैर, इसका इतना मसला नहीं है। जैसे कि मैं अब शीट वन पे चलता हूँ एक मिनट के लिए, और मैं यहाँ पे अगर मुझे एक कॉलम चाहिए मज़ीद, तो मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पे आके, अच्छा ये पहले से 80 था, सॉरी 100 होना चाहिए था इसको। तो मेरा कुछ पेज अब मुझे पहले सेट करना पड़ेगा। ओके, अब अगर मुझे सपोज़ कि एक कॉलम चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास फुल है, मेरे पास जगह नहीं है, पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक कॉलम मिल जाएगी, मैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, तो अगर मुझे एक कॉलम की ज़रूरत पड़ गई है तो मैं इसको पेज सेटअप में जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं इसको 90 कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा मज़ीद। उसके अलावा फिर अब ये होगा कि हम इसकी जो राइटिंग है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यानी हम यहाँ पर आके इसका एक साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, भर के छोटा करने से तो और ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। हम इसका एक साइज़ बढ़ा देंगे, यानी कि 11 होना चाहिए था, हम इसको 12 कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग है वो भी प्रॉपर रहेगी, ज़्यादा छोटी नज़र नहीं आएगी, वो तो अपनी प्रॉपर उस पर आ जाएगी। और अगर मैं इसको 11 पे ही रखूँगा तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो है साइज़ आपका काफ़ी छोटा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मसला ये होता है जब आप जूम अपना बढ़ाते हो तो वो आपकी राइटिंग को छोटा कर देता है, क्योंकि जूम छोटा हो जाता है। अगर मैं इसको 90 से 80 कर लूँ तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँगा तो मेरी राइटिंग और छोटी दिख रही है। इन दैट केस मैं इसको पे और बढ़ा लूँगा, यानी इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम पे चलता हूँ और मैं इसको एक और बढ़ा दूँगा। तो मेरे पास दो कॉलम तो आ गए 80 करने पे, और अब मेरा थोड़ा राइटिंग भी मैंने सेट करी है, बल्कि मुझे और करनी होगी। तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और 12 से एक और बढ़ा देता हूँ, 14 कर लेता हूँ। 14 पे आई होप के ठीक साइज़ आ रहा होगा। तो जूम जब आप करेंगे तो आपको अपना फॉन्ट साइज़ भी उसके हिसाब से ही चेंज करना होगा, ये आपको हमेशा अपने जहन में रखना होगा इस बात का।
तो एक तरीका हमारे पास जो था वो था पोर्ट्रेट लैंडस्केप करने का, और दूसरा तरीका जो हमने यहाँ पे अभी देखा वो हमने देखा एडजस्ट करने का 90 पर। मैं इसको फिर 100 करके ओके कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अच्छा, अगर मुझे प्रिंट नहीं निकालना और मैं चाहता हूँ ये लाइन नहीं आए, तो इसके लिए मैंने क्या करना होगा कि मैंने फिट करना होगा, 2 पेज वाइट कर दो या 2 पेज कवर कर दो या 1 ही रहने दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मार्जिन हट जाएगा, लेकिन ये मतलब नहीं है इसका कि इधर वाला काम भी तुम्हारा, दूसरे पेज का काम भी पहले पेज पर आ जाए। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ही चल रहा होगा। देखें, और ये सेकंड हो गया है, ये थर्ड हो गया है, और ये फोर्थ हो गया। तो सिर्फ लाइन हट जाती है, बाकी काम अपनी जगह पे ही चल रहा होता है। तो आप अगर लाइन हटाना चाहते हैं तो आप उसको करेंगे, अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं तो आप उसको नहीं करेंगे। मैं 1 कर देता हूँ, 1 पे भी लाइन हटी हुई होगी हमारी। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो करते हैं इसको हम 100 पे रखते हैं, ये हमारा एक्यूरेट साइज होता है। अभी अपना एक पेज पे, और वो जो मैंने लिखा है वो अलग आ रहा होगा, दूसरा तीसरा पेज खाली हो गया है क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है, तो चौथे पेज पर आ रहा है। अगर मैं इधर नहीं लिखता, ऊपर लिखता, तो फिर मेरा तीसरा पेज कहलाता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे भी काम किया होता, क्योंकि यहाँ भी काम नहीं है, वहाँ भी काम नहीं है, तो ये फोर्थ कह रहा है। तो ये सब सेटिंग्स हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिर सेकंड पे हो जाएगा, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और अगर अब मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये तीसरा हो गया, पहला दूसरा और तीसरा डी वाला होगा ये। ठीक, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो वो सेकंड हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक, तो ये पेज सेटअप से ही सेटिंग्स हो रही है इसकी। तो हमने अभी लंबाई कम या ज़्यादा करने के लिए 2 तरीके हमने देखे हैं। एक तो हमने देखा था कि हम इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर रहे हैं, और पे पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो पहली बारी बात हो जाती है, या हमने इसका जूम साइज़ कम किया था उससे भी हमारा काम हो गया था, यानी हमने इसको 90 पे कर दिया था। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक पेज पे ही काम हो जाए, तो हम उसको यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ कि 3 पेज जितनी जो चौड़ाई है वो एक पेज पे आ जाए, और 1 पेज जितना टॉल रहे, तो हम ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, मैंने आगे जाके लिखा है लेकिन वो दूसरे पेज पे आएगा, ये रहा। सिर्फ लाइन हट जाती है जब आप फिट करवाते हो, तो जो आपकी जो लाइन आ रही होती है वो लाइन हटा देता है सर। तो अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना तो आप फिट कर सकते हो, अगर आपको प्रिंट निकालना है तब आप एडजस्ट पे रखोगे, 100 पे रखोगे। तो 2 स्टेप्स तो ये हो गए। पोर्ट्रेट आपको 5 कॉलम दे रहा है लैंडस्केप करने पे पोर्ट्रेट से, और आपकी रॉस कम कर रहा है, जबकि स्केलिंग को अगर 90 करते हो तो 1 कॉलम मिल जाता है, 80 करते हो 2 कॉलम मिल जाते हैं, फिर आपको फॉन्ट साइज करना पड़ेगा, यानी आप 5 वहाँ पे और 2 या 1 यहाँ से भी ले सकते हैं, तो आपका काम और ज़्यादा पेज का और मतलब एक ही पेज में आ सकता है, अगर काफ़ी लंबा काम है चौड़ाई में। तो उसके अलावा पेपर A4 होता है, आपको मैंने वर्ड में भी समझाया था कि A4 साइज़ का पेपर हमें मार्केट में अवेलेबल होता है ज़्यादातर, तो हम इसको A4 पे ही रख रहे होते हैं। आप इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ पेपर्स हैं, जैसे लीगल पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये बढ़ गई है तकरीबन 50 से 61 पे पहुंच गई है, चौड़ाई तो उतनी है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ पेपर्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर हम A4 पे रखते हैं नॉर्मल, तो मैं इसको फिर दोबारा से A4 कर देता हूँ। उसके अलावा प्रिंटर की क्वालिटी 600 DPI डिस्प्ले इंडेक्स पर आ रही है, जो इसमें भी मैंने प्रिंटर इंस्टॉल किया है उसके मुताबिक यही इसकी क्वालिटी है।
अगर आपके प्रिंटर में दो तीन क्वालिटी हो तो हो सकता है 900 पे भी जा रहा हो या 400 पे भी जा रहा हो। फिलहाल मैं इसको इतना ही रखूँगा। उसके अलावा पहले पेज पे पहला नंबर आएगा तो ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है। अगर आप चाहते हो पहले पे 5 शो हो जाए तो आप यहाँ पे 5 लिख देना, जैसे कि पहले की बजाय 5 आ रहा होगा। ठीक है, कल मैं ही नहीं कर रहा तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। जब हम हेडर फुटर इसमें टॉपिक लेंगे तो उस वक्त ये इसका थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता हूँ मैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन से भी मैं अपनी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकता हूँ। वर्ड में जो गैप होता था टॉप बॉटम 1 इंच होता था और लेफ़्ट और राइट भी 1 इंच होता था। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम 0.75 है और 0.7 राइट है। अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ तो इससे भी मेरी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी। और अब जो मेरी चौड़ाई है वो आई से बढ़ के के हो गई है और 50 से बढ़ के मेरी 69 हो गई है, यानी कि पेज कुछ इतना बड़ा हो गया है। ये बिल्कुल ऊपर से शुरू हुआ और ये बिल्कुल नीचे तक गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पर ऑब्वियस है कि ये बुरा लग रहा है तो आप इतना नहीं करोगे। आप इसको अगर आपका काम कहीं थोड़ा बहुत चाहिए 2.5 कर दो, इसको 0.5 कर दो, अपने हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई से बढ़ के जे हो गया और 50 से बढ़ के 64 हो गया, नहीं पेज अब इतना हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। पहले यहाँ तक था, अब एक कॉलम आ गया है हमारे पास, रॉज आ गई है हमारे पास। तो तीसरा तरीका हमारे पास मार्जिन का है। आप तीनों तरीके भी यूज़ कर सकते हो कि आप लैंडस्केप भी कर दो, इससे आपको 5 कॉलम मिल गए। उसके बाद एडजस्ट 90 कर दो, एक कॉलम मिल गया 6 हो गए। फिर आप मार्जिन में गए और आपने 0.5 कर दिया तो एक कॉलम और मिल गया, यानी कि 6 से 7 कॉलम आपके नए आ गए। या ऑब्वियस बात है, अगर मैं एक कॉलम लिख रहा हूँ मुझे यहाँ से बड़ा करना पड़ रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा, फिर 6 नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे कॉलम आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सब तरीका है। इसी तरीके के ज़रिए जो था वो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया था। सॉरी, मैं इसको पहले पुराना वाला काम कर लूँ। ये 0.75 है, ये 0.75 है, ये 0.7 है और ये भी 0.7 है। लिख भी सकते हैं आप। ओके कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। अच्छा, तो वो वाला काम मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वो मेरे पास है मौजूद, मेरा ये वाला, इसको हमने इसी तरह एडजस्ट करके एक पेज पे डाला हुआ है। ये मैंने डेटा एंट्री की वीडियो में मैंने एक इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो हमने उस वक्त की थी, जैसे पेज सेटअप में इसको 80 किया हुआ है, मार्जिन में 0.5 लिया हुआ है, राइट को बिल्कुल हमने 0 किया हुआ है। ठीक है, 0.25 कर देता हूँ अगर मैं, तो क्या होता है एक कॉलम मेरा बाहर निकल जाता है। 0.75 कर देता हूँ मैं इसको जूम को, तो वो अंदर आ जाता है। पे में जाके देख लेता हूँ मैं, ये देखें। तो हमने इसको एक पेज पे डाला हुआ था क्योंकि डेटा बड़ा है, अच्छे खासे कॉलम्स इसमें हमने लिए हुए, एस तक लिया हुआ है, कुछ कॉलम्स बड़े भी है। तो ये हमने इसी तरीके से इसको किया था जो हमने लास्ट टाइम किया था। अभी मैं प्रिंट के लिए सिर्फ मैंने एक अलग फाइल खोली है, इसका ही थोड़ा डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, तो वो इस वजह से मतलब बड़ा भी आ रहा था, सही नहीं आ रहा था। अच्छा, इसका फॉन्ट वगैरह मैं फिर पहले की तरह थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ। ये आपके पास 11 होना चाहिए, सॉरी। और इसका जो पेज सेटअप है ये पोर्ट्रेट, और इसको हम 100 रखते हैं। मार्जिन तो सब सेट आ रहे हैं, नहीं 0.7 होगा ये, और ये भी 0.7 होगा, 0.75 दोनों सही है, यानी कि ये आपका एक्यूरेट कितना होना चाहिए था। पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका आप एक्यूरेट साइज है, यानी कि आपका काम एच तक आ रहा है। जब हम अपनी चौड़ाई बढ़ाते हैं तो हमारे जो होते हैं कॉलम्स वो कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे जो है अभी पेज देख लिया, मार्जिन देख लिया। मार्जिन में मैंने ये चीज़ें बताई हैं, हेडर फुटर रोका हुआ है, उसकी वीडियो अलग बनेगी। अब आता हूँ मैं सेंटर और पेज के ऊपर। मैं यहाँ से थोड़ा सा डेटा कॉपी कर रहा हूँ
और शीट टू पे आके इसको हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ऊपर आता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी वहाँ करना पड़ेगा। ये हो गया कॉपी, ये आ गए शीट टू पे और यहाँ पे आके आपने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अगर मैं अब इसका प्रीव्यू देखूँ तो ये जिस जगह पे मैंने रखा है उसी जगह पे आ रहा है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि सेंटर में ले लें, कैसे ले लें, मार्जिन में चले हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दें, सही हॉरिजॉन्टल ही सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, जब प्रीव्यू देखूँगा तो वहाँ पे आ होगा, जैसे कि ये रहा। या मैं इसको वर्टिकल करना चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ से मार्जिन में गया, इसको हॉरिजॉन्टल हटाया और वर्टिकल पे ओके कर दिया तो अभी लंबाई में हो रहा होगा जब हम प्रीव्यू देखेंगे, ये रहा। और अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में लेना चाहता हूँ तो फिर मैं दोनों कर दूँगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा बट प्रीव्यू में फ़र्क पड़ेगा, ये रहा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आती है कि अगर मैं यहाँ तक कुछ लिख दूँ तो फिर भाई अब ये यहाँ तक काउंट होगा, यानी कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक माना जाएगा, तो उसी हिसाब से भी सेंटर हो रहा होगा। ठीक है, तो जितना डेटा होगा, जिस हिसाब से डेटा होगा उसके तरीके से उसको सेंटर में ला रहा होगा, तो आप इसको भी मार्जिन में जाके इस काम को भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके मार्जिन तक का कंप्लीट। हेडर फुटर मैंने रोका हुआ है, अब मैं आता हूँ शीट के ऊपर। शीट के लिए मैं अपने डेटा पे ही चले जाता हूँ जहाँ पे डेटा मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ आके मैं शीट खोल लेता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रिंट टाइटर्स करोगे तो शीट खुल जाएगी। अभी क्या हो रहा था कि पूरा डेटा आपका आ रहा है प्रीव्यू में। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ सिलेक्टेड आए, प्रिंट निकले, तो मैंने इसको खोला और प्रिंट एरिया के इस बटन को दबाया तो ये मिनिमाइज हो गया, और अब मैंने सेलेक्ट कर लिया जितना मुझे प्रिंट निकालना है। फिर मैंने इसको वापस से बड़ा कर दिया और ओके कर दिया। अब अगर प्रीव्यू देखूंगा तो जो मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही चीज़ आ रही होगी, यानी कि वही प्रिंट निकलेगा, सिर्फ इतना हिस्सा। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम अपना प्रिंट एरिया डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है अपनी मर्जी से, और अगर ख़त्म करना है या कर्सर रख के इसको मिटा देंगे बैकस्पेस करके, तो क्या होगा कि फिर ओके करने पे फिर दोबारा से पूरा ही प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन था। अब आता हूँ मैं प्रिंट टाइटल्स, यानी कि रॉस टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। इसके लिए भी मैं ऐसा करता हूँ कि यार थोड़ा सा डेटा मैं यहाँ से उठाता हूँ और नीचे ज़रा कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने पहली रॉ पे डाल दिया है। अभी के लिए मैं अगर दिखाऊँ तो ये पहला पेज आ रहा है और इसके बाद वो मेरा सेकंड पेज आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर खुद ब खुद टाइटल्स आ जाएँ, यानी ये वाले टाइटल्स आ जाएँ, तो मैं इसमें गया और मैंने रॉस टू रिपीट एट टॉप का मिनिमाइज़ करके वो रॉ ले ली जो मैं रिपीट करना चाह रहा था, और इसको मैंने फिर बड़ा कर दिया, फिर ओके कर दिया। तो जब भी मेरा डाउनवर्ड आएगा, यानी कि नीचे की तरफ जब भी काम आएगा, तो जो मैंने सेलेक्ट करा है वो ऑटोमेटिकली उस पर रिपीट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। इसी वजह से मैंने जब डेटा एंट्री बता रहा था तो मैंने कहा था कि आप हमेशा नीचे काम करा करो, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर नहीं किया करो, क्योंकि ये डाउनवर्ड इससे आप रिपीट भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है जब आप डाउन एंड ओवर वाला अपने पास ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो इन डेट केस आप क्या करते हो, अब मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, और इतना बड़ा डेटा नहीं ले रहा मैं, समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको उड़ा ही देता हूँ, होम पे चल रहा हूँ और क्लियर जाके और कर देता हूँ ताकि हट जाए यहाँ से। अच्छा, इसके लिए मुझे इसको ज़रा मर्ज हटाना पड़ेगा, और चलो सेंटर होना उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आता हूँ दोबारा पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल्स, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। लेफ्ट साइड के कॉलम्स कैसे रिपीट हो गए, अभी के लिए पहला पेज है और वो दूसरा पेज है जहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ का कॉलम यहाँ रिपीट करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको कट कर दिया, इसको यहाँ डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इधर से 1-2 और ले लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ, पहला कॉलम रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो इसको उड़ा दो, इसका फ़ायदा नहीं है अभी करने का, रिपीट करने का पहली रॉ का।
अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और ये वाला जो है काम पहले कॉलम का उठा के यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि वो नंबर्स जो है ना वो जनरेट हो रहे होंगे सेकंड पे खुद ब खुद। ये देखिए ठीक है, तो अब वो खुद ही जनरेट हो गए, जिस जगह पे आ रहे थे उसी जगह से उसने उसको शुरू किया है। दिखा दूँ कैसे, ये देखें से नंबर यहाँ आ रहा था, यानी कि अगर मैं इसको अभी पे यहाँ से कट कर दूँ और मैं इसकी सीध में डालूँ उसको, यानी कि यहाँ पे एक मिसाल ले रहा हूँ, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू खोलूँगा तो अब ये एक्यूरेट जा रहा होगा। ये देखें वन के साथ आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इससे पहला कॉलम लिया था और उसका जो पहले कॉलम में जितना लिखा हुआ था सिर्फ उतना ही आया है, जैसे कि ऑफिस ऑफ आया है सर। तो ये लेफ़्ट वाला जो होता है ना ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है, तो हम ज़्यादा काम इसीलिए डाउन करते हैं, लेफ़्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसको मैं डिलीट सेल कर देता हूँ और अप कर देता हूँ ताकि ये सब उठ जाए अपनी जगह से। इसको फिर मर्ज कर देता हूँ, पहले वाली पोजिशन पर ले लेता हूँ। तो ये हो गए आपके पास प्रिंट टाइटल्स में तीन चीज़ें। प्रिंट एरिया से हम कोई खास चीज़ ले सकते हैं जो हमें प्रिंट करनी है, रॉस रिपीट कर सकते हैं टॉप पे या लेफ्ट साइड पे कॉर्नर रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रिड लाइन करने से क्या होता है कि जो ये लाइंस है ग्रिड लाइंस कहलाती है, ये प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये भी पेपर पे आ रही होगी जितना मेरा काम हुआ है वहाँ तक, पूरी नहीं आ रही, जहाँ तक काम हुआ है वहाँ तक आ रही है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलेगा, कलर प्रिंट नहीं निकलेगा, यानी कि अगर मैं इसको नीचे करके देखूँ ये भी ब्लैक एंड वाइट हो गया, वो येलो कलर भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तीसरा काम क्या होता है, ड्राफ्ट क्वालिटी, इसमें ना बॉर्डर आता है और ना तस्वीर आती है, तो अगर मैं प्रीव्यू में जाके देखूँगा तो ना बॉर्डर्स हो गए मेरे पास और ना ही मेरे पास तस्वीर होगी। उसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन है, रॉज एंड कॉलम्स हेडिंग्स रिपीट कर सकते हैं हम अपनी, यानी कि जहाँ तक काम हुआ है जी तक और कितने रॉ तक काम हुआ है मेरे पास 40 रॉ तक, तो मुझे बता रहा है। अगर मैं इसी फॉर्म में निकालना चाहता हूँ कि इसी तरह आ रहा हो तो फिर मैं ग्रिड लाइन पे भी टिक लगा दूंगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे कि आपका शीट का होती है। ठीक है, बैक कर देता हूँ, तो ये सब करा जा सकता है, इसको हटा देता हूँ। कमेंट्स होते हैं वो भी आपके एट एंड ऑफ शीट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे आके कमेंट कर दूँ, मैंने आपको कमेंट वगैरह करना उसमें तो सिखाया था वर्ड में, यहाँ पे ही बता देता हूँ, इंडिकेशन दे रहा होता है एट एंड ऑफ शीट कमेंट होगा, प्रिंट वर्ड में प्रिंट नहीं होता था बट एक्सेल में प्रिंट हो रहा है एट एंड ऑफ शीट F3 सेल पे। मेरा कंप्यूटर का नाम सलमान है तो सलमान ने ये कमेंट किया हुआ ये बता रहा है। सही है, इसको हम एज डिस्प्ले अगर करना चाहें कर सकते हैं पर हम करते नहीं हैं क्योंकि उसके पीछे एक वजह है जो भी बताऊँगा मैं। तो मैं अगर इसको एज डिस्प्लेड ऑन शीट करता हूँ तो ये अभी तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा ऑप्शन मेरे पास। अगर मैं लाना चाहता हूँ तो यहीं से ऑप्शन में इसका खोलूँगा और मुझे इसकी सेटिंग ज़रा सा देखनी पड़ेगी कि यार सेटिंग इसकी कहाँ है। एडवांस में जाके डिस्प्ले में जाके इंडिकेशन ओनली पे लगा हुआ है, अगर मैं कमेंट इंडिकेशन पे ओके करता हूँ तो मसला ये आता है कि इधर का हिस्सा खा जाता है, प्रिंट पे तो आ रहा होगा क्योंकि मैंने एज डिस्प्ले लिया हुआ है लेकिन वो इसको ख़त्म कर दिया है इसने, इसी वजह से हम एज डिस्प्ले नहीं ले रहे होते, यानी कि हम इसको हमेशा या तो एट एंड ऑफ शीट ले लेते हैं, हम कमेंट्स को नंद रखते हैं ताकि वो चीज़ उसको ना खाए और उस तरीके से ना आ रही हो। ठीक है, और इधर ऑप्शन को भी हम बंद ही रखते हैं, नॉर्मली इंडिकेशन पे रखते हैं, फिर एडवांस करता हूँ और फिर डिस्प्ले पे आ जाता हूँ मैं और इंडिकेशन ओनली एंड कमेंट ऑन होवर पे लगा के रख देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह करा जा सकता था, मैं फिर कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, उसका काम ख़त्म हो गया है। फिर सेटअप में चलता हूँ अगेन, फिर शीट में चलता हूँ अगेन, तो हम यहाँ पर कमेंट ले सकते हैं अगर हमें लेना हो, एट एंड ऑफ शीट लिया जाता है अमूमन। सेल्स में एरर्स आते हैं जब फॉर्मूले लगाते हो तो वो एरर डिस्प्ले हो जाएंगे, अभी मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो अभी कोई कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक और छोड़ सकते हो, डैश या एंड स्लैश ए कर सकते हो, तो डिस्प्ले रखा जाता है, बाकी जो आपको अच्छा लगे आप रख लो, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि डाउन देन ओवर लगा होता है, अगर आप करते हो ओवर देन डाउन तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा पेज, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अब
यानी कि दो चीज़ें देख ली, एक तो प्रीव्यू देखा था, फिर दूसरा आपने पेज सेटअप देखा, पेज लेआउट में गए, पेज बताया था, इसमें मैंने मार्जिन बताया था जो जिसका मिस हो गया है वो वीडियो को पीछे यानी थोड़ा सा रिवाइंड करके चेक कर सकता है, शीट मैंने बताई थी। इन चीज़ों को अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लो, ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है डेटा एंट्री के लिए खास तौर पे, इसी से हम अपना डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, सही है। इसको फिर मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ और उसके बाद अब मैं आता हूँ प्रिंट के ऊपर, यानी कि फाइनल स्टेप है प्रिंट करना। जब मैं प्रिंट पर आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, अगर हमें दो कॉपी निकालनी है तो हम यहाँ पे दो लिखेंगे, दो लोगों के लिए, तीन के लिए या चार के लिए, जितनी कॉपियाँ निकालना चाहते हो। जो प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप जॉब करते हो तो वहाँ पे दो तीन प्रिंटर होते हैं, तो अगर आपको पता है यार ये बिजी है तो आप इस पर निकाल लोगे, ये बिजी है तो इस पर निकाल लोगे, ठीक ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया उनसे कमेंट में पूछे भाई जो चीज़ पूछनी है। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब है जो शीट मेरी खुली हुई है वो प्रिंट होगी, एंटायर बुक जितनी शीट्स है सब प्रिंट होगी, जब जो मैंने सेलेक्ट करा है सिर्फ वो प्रिंट होगा, या आपका जो प्रिंट एरिया था उसको इग्नोर करेगा, तमाम निकालेगा। बैक करता हूँ, कौन सी शीट खुली हुई है, शीट वन यानी ये प्रिंट होगी, शीट टू प्रिंट नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ से सॉरी अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंटायर बुक तो फिर शीट टू भी मेरी प्रिंट हो रही होगी, या आ गई शीट टू का, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था। उसके अलावा कौन सा पेज प्रिंट करना है हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि भाई कौन सा पेज प्रिंट करना है, पहला करना है या पहला दूसरा करना है या दूसरा करना है या दूसरे से चार तक करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने पास तो एक ही पेज है ना यार, एक ही रखते हैं अभी। अच्छा सॉरी, शीट टू सेलेक्ट हुई भी है शायद, हाँ वन पे आ जाता हूँ, पिछलता हूँ। क्वालिटी मीन्स क्या होता है कि सीक्वेंस क्या होगा कि पहले एक बंदे का सारा पेज निकलेगा जितने पेज पे काम हुआ हुआ है, यानी कि चार मरतबा पहले अगर दो पेज पे काम हुआ है तो दो पेज एक बंदे के निकलेंगे, फिर दो पेज दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। और अगर मैं अनक्वालिटेड लगा देता हूँ तो दो पहले चार मरतबा पहला पेज निकलेगा, फिर चार मरतबा दूसरा पेज निकलेगा, दो पेज का काम हुआ हुआ है। सो सबको अगर बिठा के रखना है तो अनक्वालिटेड लगाओगे, और अगर एक एक को फारिग करते जाना है जो मुझे पसंद है या रश कम होता जाए तो क्वालिटेड लगाना होगा। पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, यहाँ से भी ऑप्शन था पोर्ट्रेट लैंडस्केप, मैंने अभी पेज सेटअप में बताया था पोर्ट्रेट रखा जाता है, मोमेंट पेज यहाँ से भी ले सकते हो, वही फोर रखा जाता है। और ये आपकी जो भी सेटिंग है उसकी मार्जिन सारी ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आ रही है 0.7 0.7, यहाँ से ही नॉर्मल पे भी आ रहा है और वाइट पे आ रहा है, नैरो पे आ रहा है, तो आप यहाँ से भी अपना लंबा चौड़ा कर सकते हैं पेज अगर आपने वो पेज सेटअप नहीं किया है तो। स्केलिंग भी यहाँ से आप अगर चाहो तो कर सकते हो, फिट शीट ऑन फन वन पेज, फिट और कॉलम्स ऑन वन पेज, जितने कॉलम्स हैं सब एक पेज पर आ जाएँ या लो आ जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। या सर में पेज सेटअप की कुछ सेटिंग्स आ रही है जो यहाँ पे आ रही है, ये मैं अगर खोलना चाहूँ तो यहाँ से खोल भी सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पेज का यानी कि प्रिंट करने के लिए, अगर आपको सेटिंग्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ नहीं गए करने को जो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस आपका आखिरी काम रह गया है, वो ये है कि जब सब कुछ हो जाएगा फाइनल तो आप यहाँ से इसको प्रिंट दबाओगे तो ये प्रिंटर को भेज देगा, ये प्रिंटर यहाँ पे आ गया, अगर गलती से भेजा है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद जब ये खुल जाएगा तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ। सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अच्छे खासे काम हो रहे हैं ना सर में, इसलिए थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा टाइम लगा रहा है ये ओपन होने में, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइल का नाम आ रहा होता है, मैंने पता नहीं कौन से पे भेज दिया था, अच्छा उसने कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसको प्रिंट मिला ही नहीं था। ठीक है, खैर आप लोग इसको देख लीजिएगा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है इस टाइम पे, तो ये यहाँ पे सही तरीके से खुल नहीं पा रहा, और अब ये चला ही गया क्योंकि प्रिंट उसका था ही नहीं, उसके बाद प्रिंटर ही कनेक्ट नहीं था तो वो बाहर निकल गया।
है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है इस वक्त। अच्छा जी, तो ये था आपका प्रिंट का हिसाब किताब। पहले हमने प्रीव्यू लिया था, फिर हमने पेज सेटअप किया, और उसके बाद हमने आखिर में आके यहाँ पे प्रिंट को देखा कि प्रिंट कैसे निकालना होगा। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें आपकी पेज की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एंट्री के हिसाब से कि अगर डेटा बाहर निकल रहा है तो उसको कैसे सेट किया जाता है। तो वो आज हमने इस वीडियो में अपना कवर किया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं अगला टॉपिक लूँगा, शायद चार्ट्स के बारे में बताऊँगा, बल्कि उससे पहले मुझे हेड ऑफ फुटर्स पढ़ाना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हेड ऑफ फुटर बताऊँगा, और उसके बाद फिल्टर्स की वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है तो वो भी देख लीजिएगा। फिर मैं चार्ट्स के ऊपर नई वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगेन कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर उसको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आने का आपको पता चल जाए। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे भी अच्छा लगे, लाइक हुआ है आपको पसंद आई है, और अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, तो शेयर भी कर दें। उसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनी है, तो इंशाल्लाह अब कंटिन्यू मैं इसको बनाता रहूँगा वीडियोस को, क्योंकि अब मैंने अपना आज अपना कोचिंग भी ओपन कर लिया है फाइनली, तो अब इंशाल्लाह वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अब अल्लाह।